काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे केंद्रीय कमेटी टीम का विस्तार कब होगा, अब हो गया। देखिए, सबसे पहले अपने जेबीकेसीएस के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान टाइगर जयराम महते जी को आभार प्रकट करते हैं और अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे केंद्रीय सचिव के रूप में दायित्व सौंपा है। मैं निश्चित रूप से संगठन के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा। और तैयारी क्या है, तैयारी तो दे अपने झारखंड की जो जनता है, नौजवान है, किसान है, वो तो बस चुनाव का इंतजार कर रही है। 2024 आ गया है और तैयारी बम्पर हो गया है, तैयारी हो गया, बस चुनाव में जाना है और टाइगर जयराम जी के नेतृत्व में जेबीकेएसएस की सरकार बनेगी झारखंड में। आप लोगों की जो जेबीकेएसएस अभी संगठन है, अभी कोई पार्टी नहीं बन पाई है, लेकिन उन पर एक आरोप लगता था कि एक वर्ग महत्व वर्ग की पार्टी है, लेकिन केंद्रीय कमेटी का विस्तार होने के बाद आपको क्या लग रहा है, सभी वर्गों को जगह मिल पाया? तो टाइगर जयराम महतो की गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही, कितनी सच्चाई है, क्या वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे? 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, पूरा देश राममय हो गया है और कुछ विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं इनका, इस पर जेबीकेएसएस की क्या स्टैंड है? कि हाल के दिनों में एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो राम को लाए हैं हम उसे लाएंगे, तो ये इस लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय मुद्दे और जो भी मुद्दे वो तो छूट जाएंगे। देखिए, झारखंड में हमारे प्रभु श्री राम जी का मुद्दा नहीं है, झारखंड में मुद्दा है कि पिछले 23 साल से बेरोजगारी है, छात्रों का जो समस्या है। मैं पहले बोला कि छात्र पिछले 23 साल पे फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं और पता चलता है कि प्रश्न पेपर लीक आउट हो जाता है, हमारे सीट बिक जाते हैं, यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार के लिए बाहर प्रदेशों में भटक रहे हैं, यहाँ के किसानों के खेतों में पानी नहीं मिला है, अंचल कार्यालय में ऑनलाइन के नाम पे भ्रष्टाचार है, दाखिल खारिज के नाम पर लाखों 50,000 लूटे जा रहे हैं, थाना में आप जाते हैं तो झारखंडियों का कोई वैल्यू नहीं है, यदि दो आदमी लड़ता है, एक आदमी से थानेदार 5,000 रुपया लेता है, दूसरा से समझौता करके 10,000 रुपया लेता है। हमारा झारखंड में ये समस्या है, राम प्रभु श्री राम हमारे कनकन में है, वो हमारा समस्या नहीं है, वो हमारा आस्था का विषय है, वो मंदिर पूजा पाठ करने की जरूरत है, वो हम लोग करते हैं। 10 तारीख को सूर्यकुंड में एक प्रोग्राम होने वाला था जहाँ खेसारी लाल यादव जी आने वाले थे, लेकिन आप लोगों पर आरोप लगा है कि आप लोगों ने बाहरी कलाकार ना चलतो करके विरोध करने के वजह से खेसारी लाल यादव जी का प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं, और कुछ सोशल मीडिया पे ये भी चला है कि जेबीकेएसएस के लोग यादव विरोधी हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? जोहार, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना। हाल ही में झारखंड में राजनीतिक भूचाल लाने वाले युवा क्रांतिकारी जो उनका टीम है जेबीकेएसएस, उनका केंद्रीय टीम का विस्तार हो गया है और कोडरमा से भी केंद्रीय सचिव बने हैं रविशंकर जी, उनसे आज बात करने के लिए आए हैं और उनसे जानेंगे कि आगे जेबीकेएसएस का क्या प्लान है लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए और नगर परिषद के भी चुनाव आने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी है, पूरे मसले पे आज हम बात करेंगे रविशंकर यादव जी से। द न्यूज़ खजाना में स्वागत है और मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपको जेबीकेएसएस के केंद्रीय टीम में जगह मिली है सचिव के पद पे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको झारखंडी खतियानी जोहार पत्रकार महोदय, और झारखंड वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि न्यूज़ खजाना को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना खतियानी चैनल है जी। तरह की तैयारी चल रही है, काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे केंद्रीय कमेटी टीम का विस्तार कब होगा, अब हो गया है। देखिए, सबसे पहले अपने जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान टाइगर जयराम महते जी को आभार प्रकट करते हैं और अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे केंद्रीय सचिव के रूप में दायित्व सौंपा है। मैं निश्चित रूप से संगठन के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा। और तैयारी क्या है, तैयारी तो दे अपने झारखंड की जो जनता है, नौजवान है, किसान है, वो तो बस चुनाव का इंतजार कर रही है। 2024 आ गया है और तैयारी बम्पर हो गया है, तैयारी हो गया, बस चुनाव में जाना है और टाइगर जयराम जी के नेतृत्व में जेबीकेएसएस की सरकार बनेगी झारखंड में। जितनी बड़ी आपको जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से आप उस पर खड़े उतरेंगे और किस तरह की तैयारी आप खुद कर रहे हैं? देखिए, अभी CWC की गठन हुआ है, बहुत ही जल्द एक दो दिनों में CWC की मीटिंग होगी और सभी पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दायित्व सौंपा जाएगा। टाइगर का जयराम महतो जी का जो निर्देश है, जो विचारधारा है जेबीकेएसएस का, वो विचारधारा का झारखंडियों के बीच में पूरे प्रदेश में एक घर में हम लोगों को उनका विचार को ले जाना है, क्योंकि 23 सालों में जिस तरह से जब झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड अलग हुआ और 23 सालों में यहाँ के छात्र नौजवान फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं, पता चल रहा है
कि कभी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, तो कभी पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाते हैं, तो कभी पता चलता है कि प्रश्न पत्र आपका सीट जो है सो बिक गया। ये तमाम मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, खनन नीति है, छात्र नीति है, उद्योग नीति है, ये तमाम मुद्दे को लेकर के हम लोग अपने खतियानी भाइयों के बीच में जाएंगे। और हम समझते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, आप जैसे लोग पत्रकार हम लोगों को नीति सिद्धांत को आप लोग फैला रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से, जनसभाएं के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत प्यार, बहुत जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी हिंदुस्तान का मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मोदी जी की एजेंसी या राहुल गांधी की एजेंसी उनके भीड़ लगाने के लिए बंद कर दे। जब उन लोगों का एजेंसी लगता है, चाहे किसी चीफ मिनिस्टर का एजेंसी लगता है, तो आंगनबाड़ी, पारा शिक्षक, स्कूल के बच्चे और तमाम लाद लाद के बसों से पैसे से उन लोगों को भीड़ लाया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय पार्टी और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को कि एक बार आप भी अपने सभा का रैली के लिए आप दावत दें, और हम लोग भी जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो के लिए रैली का दावत देते हैं। आप देखेंगे दूसरी पार्टियां जो है वो लोग पैसे से भीड़ को बुलाती है, और हमारे झारखंड में ऐलान हो जाता है कि टाइगर जयराम महतो की आज हमारे विधानसभा जयनगर में यदि प्रोग्राम होना है तो 4 दिन पहले ऐलान हो जाता है। तो 50,000 की भीड़ ऑटोमेटिक बिन पैसे का दिया हुआ, बिना पैसे से बुलाया भीड़ टाइगर को लोग सुनने के लिए आते हैं। ये हमारा जेबी केसेस, हमारे जयराम महतो हम लोगों के लिए उपलब्धि है। अच्छा, आप लोगों की जो जेबी केसेस अभी संगठन है, अभी कोई पार्टी नहीं बन पाई है, लेकिन उन पर एक आरोप लगता था कि एक वर्ग महतो वर्ग की पार्टी है, लेकिन केंद्रीय कमेटी का विस्तार होने के बाद आपको क्या लग रहा है, सभी वर्गों को जगह मिल पाया? सबसे पहले मैं बता दूं पत्रकार महोदय कि हमारा जेबी केसेस अब एक पार्टी के रूप लेने जा रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारा दाखिला हो गया है, उन्होंने हमारे आवेदन को स्वीकार किए हैं, और निश्चित रूप से बहुत जल्द हमारा झारखंड में अपना एक पार्टी होगा जो पार्टी का रूप लेगा। और हम समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव में हम आशा और उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा हमें सिंबल भी मिलेगी, और निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार पार्टी के रूप में, हम लोग जेबी केसेस पार्टी के रूप में, पार्टी का जब नामांकनकरण होगा तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष इसमें घोषणा करेंगे। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि एक जाति की पार्टी है, आप लोग आरोप लगा, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका नाम रविशंकर यादव है, आप कैसे कह सकते हैं? आप हमारा अभी 5 कमेटी डिक्लेयर हुआ है, CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी का डिक्लेयर हुआ है, महिला मोर्चा का केंद्रीय कमेटी, युवा मोर्चा का डिक्लेयर हुआ है, परमंडलीय स्तरीय हमारे संगठन के निर्माण करने वालों का हुआ है, विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी का कुछ लोगों का गठन हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि उसमें माइनॉरिटी के लोग भी हैं, आदिवासी लोग भी हैं, दलित लोग भी हैं, बैकवर्ड भी विभिन्न जातियां से लोग हैं, सवर्ण लोग भी हैं। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि एक बार भाजपा वालों से भी जाके आप पूछ लीजिए, पिछले 4 दिन पहले बाबूलाल मरांडी का एक प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश स्तर का कमिटी भी विस्तार हुआ है। आप उसमें देखिए कितने दलित समाज से हैं, कितने ट्राइबल लोग हैं, कितने माइनॉरिटी के लोग हैं, कितने पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, आपको नहीं मिलेंगे। उसमें एक तरफा कमिटी मिलेगा। हम आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी के विवेक और उनका कार्य करने की शैली और उनका नेतृत्व की क्षमता का दाद देना चाहते हैं कि जो उन्होंने कमेटी का निर्माण किया, उस कमेटी में झारखंड के संपूर्ण जातियों का ख्याल रखा है और संपूर्ण जातियों का इस कमेटी में समावेश हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है? एकदम, जिस तरह से आप समाचार आए दिन देख रहे हैं कि लोकसभा का बिगुल 2024 में है, और झारखंड में आपका 2024 में विधानसभा का बिगुल बजेगा। हम लोग भी लगभग टाइगर का निर्देश है, 6 लोकसभा में अभी हम लोग दमदार तरीके से हमारा बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी का निर्माण हो रहा है, और यदि 14 लोकसभा में लड़ने की बात होगी, जेबी केसेस हमारे पार्टी की विचारधारा से लोग सहमत हो रहे हैं, बहुत लोगों का संपर्क भी हो रहा है, वो लोग आएंगे, बात करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग आगे भी लड़ने का प्लान टाइगर के नेतृत्व में करेंगे। क्या अभी तक झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, तो टाइगर जयराम महतो की जो बात आ रही है, जो आप लोग के अध्यक्ष हैं, वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही, कितनी सच्चाई है, क्या वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे? ये बात सही है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी का ऐलान हो गया है कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे और बम्पर जीत करेंगे और जीत करके आएंगे, और दिल्ली के संसद भवन, भारत के संसद भवन में टाइगर का दहाड़ 2024 में आप सुनेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि पूरे देश, भारत वर्ष में यदि खनिज संपदा है तो हमारे झारखंड राज्य से 40% खनिज संपदा पूरे देश में जाता है, तो जब 40% झारखंड राज्य से खनिज संपदा पूरे हिंदुस्तान में जाता है, तो दिल्ली के, भारत के संसद भवन में झारखंड के लिए 40 मिनट का बहस क्यों नहीं?
झारखंड के लिए उसके लिए आरक्षण क्यों नहीं, झारखंड की खनिज संपदाओं में झारखंडियों के लिए अवसर क्यों नहीं खोला जा रहा है, ये तमाम बातों को लेकर के आप देखेंगे गिरिडीह की जनता तो में उफान है, एक कहिए तो बवाल मचा हुआ है कि बस चुनाव आयोग का घोषणा होना बाकी है, टाइगर पर इतना ईवीएम का बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा कि दिल्ली के संसद भवन में, भारत के संसद भवन में टाइगर का दहाड़ अब 2024 में सुनेंगे। अभी हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि पुराने साथी जो आंदोलनकारी थे, जब भाषा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उनसे टाइगर जयराम मातो जी मिल रहे हैं, क्या उन लोगों को फिर से पार्टी में लाने की बातचीत हो रही है? एकदम, आज तारीख कितना है? आज 20 तारीख है, आज ही के दिन में हमारा रिजवान अंसारी क्रांतिकारी का आज हमारे मिलन समारोह, आज उनका जेबी केसेस में घर वापसी हो रहा है। टाइगर ने अर्जुन के जैसा, जब अर्जुन आप देखे होंगे महाभारत में कि अर्जुन का तीर चलता है तो मछली की आंख पे निशाना होता है, तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का एक ही निशाना है, झारखंड के छात्र नौजवान किसानों को अपना बनाना है। और चूंकि देखिए हम लोग पिछले 23 साल से शोषित और शासित हैं और प्रताड़ित हैं, चूंकि देखिए आज हमारा उम्र 43 साल हो गया, हम भी जब झारखंड अलग हुआ था उस समय हम 22 साल के थे, हमारे जैसे लोग कई नौजवान यहाँ पे दरोगा बनना चाहे, बीडीओ बनना चाहे, सीओ बनना चाहे, छात्र किसान जो है इंस्पेक्टर बनना चाहे, टीचर बनना चाहे, रोजगार सेवक बनना चाहे, कर्मचारी बनना चाहे, आईएएस आईपीएस बनना चाहे, लेकिन स्थानीय नीति, नियोजन नीति स्पष्ट रूप से नहीं होने के कारण हमारे जैसे कई नौजवान आज बेरोजगार की दर दर भटके भटक रहे हैं। आंध्र प्रदेश नौजवान दिल्ली में, तेलंगाना में, असम में रोजगार 5,000-10,000 के लिए भटक रहे हैं। तो हम लोग 23 वर्ष से शोषित और शासित हैं, इसलिए टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि 2024 आ गया, अब जेबी केसेस झारखंड में शासन करेगी। और झारखंड की जनता से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि आप शासन की व्यवस्था टाइगर के हाथों में दें, प्रशासन जेबी केसेस और टाइगर और हम लोग मिलकर करेंगे। जैसे यहाँ क्षेत्रीय पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह चुनौती दे पाएंगे उनको, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए संसाधन भी चाहिए, कार्यकर्ता भी चाहिए बूथ स्तर पे, तो किस तरह से आप उन लोगों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए साधन और संसाधन, ये पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार करके, तमाम सरकार की योजनाओं को चला करके भ्रष्टाचार करके अकुट पैसा बनाती है, उसके बाद वही चुनाव में जनता के पास जाती है मुर्गा भात के नाम पर, दारू मुर्गा के नाम पर, पेट्रोल गाड़ी में भराने के नाम पर, बूथ खर्चा के नाम पर, गांव में या शहर में जो बड़े बड़े लोग हैं 150,000 रुपया उन लोगों को देने के नाम पर चुनाव को अपनी ओर मूवमेंट करती है। टाइगर जयराम महतो जेबी केसेस हम लोगों ने एक विचारधारा दिया है कि जनता आपको भी ठीक रहना होगा, आपको भी ईमानदारी से वोट करना होगा, तभी आपके लिए ईमानदार जनप्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में जीत के जाएंगे। हम समझते हैं कि संसाधन की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोगों ने कहा है कि झारखंड जिस तरीके से 23 साल में शोषित और शासित हुआ है, झारखंड की नौजवान जनता, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान तैयार है इस बार कि जेबी केसेस को हम लोग सरकार बनाएंगे और निस्वार्थ भाव से बनाएंगे, ईमानदारी के साथ बनाएंगे। और झारखंड की जनता कह रही है, अभी 24 तारीख का सभा आपके हजारीबाग में होगा, जहां पे 1 लाख लोगों की खतियानी महापंचायत, जहां 1 लाख लोगों का जुटान होने जा रहा है, लोगों ने कहा है कि इस बार वोट भी देंगे और 10 रुपया का नोट भी देंगे, ताकि जेबी केसेस के नेता दौड़ने के लिए, ताकि तेल पानी की उनको जुगाड़ करने के लिए झारखंड की जनता देने के लिए हम लोग तैयार है। इसलिए संसाधन और साधन की ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि झारखंडों को झारखंडी सरकार चाहिए, यहाँ नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, खनन नीति ये चाहिए, इनको खनिज संपदा में अधिकार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, तो निश्चित रूप से बिना पैसे का ईमानदारी से झारखंड की जनता को वोट करना होगा, तभी हम लोग सरकार में आएंगे, तभी हम लोग झारखंड के हित के लिए काम करेंगे, नियम कानून बनाएंगे और झारखंड में बदलाव कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं पूरे देश भर में 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम कार्यक्रम होने जा रहा है, पूरा देश राममय हो गया है और विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं इनका, इस पर जेबी केसेस की क्या स्टैंड है? देखिए भगवान हमारे आस्था का विषय है, इस आस्था के विषय में राजनीतिक रंग नहीं होने चाहिए। और राम विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल एक तरह का प्रोग्राम बना दिए हैं। झारखंड में हमारे पास राम भी हैं और जयराम भी हैं, हम लोग स्क्वायर ताकत से लड़ेंगे,
राम भगवान राजा रामचंद्र जी की भी शक्ति हमारे पास है और टाइगर जयराम की भी शक्ति हमारे पास है, राम स्क्वायर की शक्ति झारखंड में हमारे पास है और झारखंड की जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आप देखिएगा ये दोनों राम जयराम और राम की स्क्वायर की ताकत जब लगेगी तो झारखंड के विधानसभा की 81 सीट में जीत के आएंगे और लोकसभा में भी टाइगर और हमारे साथियों की दहाड़ 2024 भारत के संसद भवन में होगा। अलग अलग पार्टी अलग अलग तरह के 22 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या कार्यक्रम है 22 तारीख? मैं पहले कहा कि राम सबके हैं और राम है तभी हम लोग हैं और राम कनकन में हैं। कार्यक्रम क्या करना है, एक दिन पूजा पाठ करने से एक दिन खाए नहाए से हो जाएगा? हम सनातन लोग हैं, हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक पूजा पाठ करते रहते हैं। क्यों प्रोपगंडा चला देगा कि एक दिन पूजा पाठ करिए आरती दिखाइए, वैसे नहीं चलता है। धर्म हमारे आस्था का विषय है और हम प्रतिदिन राम और कृष्ण भगवान शिव भोले बाबा शंकर बाबा सब हम लोग रोज रात दिन करते रहते हैं और जब तक जीवित रहे करते रहेंगे। अभी हाल के दिनों में एक सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो राम को लाए हैं हम उसे लाएंगे, तो ये इस लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय मुद्दे और जो भी मुद्दे वो तो छूट जाएंगे। देखिए झारखंड में हमारे प्रभु श्री राम जी का मुद्दा नहीं है, झारखंड में मुद्दा है कि पिछले 23 साल से बेरोजगारी है, छात्रों का जो समस्या है। मैं पहले बोला कि छात्र पिछले 23 साल पे फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं और पता चलता है कि प्रश्न पेपर लीक आउट हो जाता है, हमारे सीट बिक जाते हैं, यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार के लिए बाहर प्रदेशों में भटक रहे हैं, यहाँ के किसानों के खेतों में पानी नहीं मिला है, अंचल कार्यालय में ऑनलाइन के नाम पर भ्रष्टाचार है, दाखिल खारिज के नाम पर लाखों 50,000 लूटे जा रहे हैं, थाना में आप जाते हैं तो झारखंडियों का कोई वैल्यू नहीं है, यदि दो आदमी लड़ता है तो एक आदमी से थानेदार 5,000 रुपया लेता है, दूसरा से समझौता करने 10,000 रुपया लेता है। हमारा झारखंड में ये समस्या है, राम प्रभु श्री राम हमारे कनकन में है, वो हमारा समस्या नहीं है, वो हमारा आस्था का विषय है, वो मंदिर पूजा पाठ करने की जरूरत है वो हम लोग करते हैं, लेकिन हम सरकार में आएंगे तो लोकसभा और विधानसभा में झारखंड की जनहित के मुद्दे की बात करेंगे, जो मुद्दा को लेकर के ये पॉलिटिकल पार्टियां ने पिछले 23 सालों में हम लोगों को गुलामी में बनाकर रखा है और शोषित और शासित रखा है उसको हम लोग झारखंड में दूर करेंगे। हाल के दिनों में 10 तारीख को सूर्यकुंड में एक प्रोग्राम होने वाला था जहां खेसारी लाल यादव जी आने वाले थे, लेकिन आप लोगों पर आरोप लगा है कि आप लोगों ने बाहरी कलाकार ना चल दो करके विरोध करने के वजह से खेसारी लाल यादव जी का प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं और कुछ सोशल मीडिया पर यह भी चला है कि जेबी केसेस के लोग यादव विरोधी हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? पहले ये आपने कहा यादव विरोधी है तो आप इंटरव्यू रविशंकर यादव का ले रहे हैं और केंद्रीय कमेटी में लगभग 14 से 15 यादव लोग को सम्मान दिया गया है। जहां तक आप बरकट्ठा हमारे विधानसभा क्षेत्र में कहा आपने कि खेसारी लाल यादव जी के लिए विरोध हुआ, देखिए एक प्रोपगंडा है, मैं आपको बता दूं कि जेबी केसेस किसी खिलाड़ी और कलाकार का विरोधी नहीं है, जेबी केसेस सरकार के गलत नीतियों का विरोध करती है, जेबी केसेस झारखंड में विधानसभा में बाहरी उम्मीदवार और लोकसभा में बाहरी उम्मीदवार का विरोध करती है, ना कि किसी खिलाड़ी और कलाकार का विरोधी है। खेसारी लाल जी हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी कार्यक्रम करते हैं, एक स्टार हैं, वो अपना कार्यक्रम करें कोई विरोध नहीं है, लेकिन भोजपुरी में जो अश्लीलता है जो अश्लील भाषाओं का प्रयोग होता है उसका हम लोग विरोधी हैं, क्योंकि हम लोग 2.5-3 साल से अपनी भाषा संस्कृति अपनी सभ्यता को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हमारा घर गांव में खरोठा बोला जाता है, कुड़माली बोला जाता है, संथाली बोला जाता है, हमारे झारखंड में होक बोला जाता है, हम अपनी भाषा संस्कृति को बचाना चाहते हैं। बिहार में भोजपुरी चलता है, भोजपुरी अपने राज्य में उनका भी सम्मान है, हम उनके भाषा भी सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य हमारा घर हमारा तो हमारा भी अपनी संस्कृति हमारी भाषा है। देखिए आयोजक खेसारी लाल जी का जो प्रोग्राम हुआ वो जेबी केसेस के चलते रद्द नहीं हुआ, वहां के आयोजक मंडली से जाइए इंटरव्यू लीजिए, वो तो 2012 में अन्ना हजारे का प्रोग्राम लेकर के उन्होंने चंदा किया, बोला कि हम बरकट्ठा में हजारीबाग में अन्ना हजारे जी का प्रोग्राम कराएंगे, वो चंदा लाखों रुपया कलेक्ट किया, वो चंदा खा गया, उसका भी जनता के बीच में हिसाब वो आदमी आयोजक मंडली का आदमी नहीं दिया। दूसरी बात है ये खेसारी लाल जी का प्रोग्राम के साथ साथ झारखंड के यहाँ पे जो मूल वासियों चाहे हमारे नायक जी का प्रोग्राम हो चाहे दुबे जी का प्रोग्राम हो चाहे और भी हमारे लोकल कलाकार थे, तो एक खेसारी लाल जी का प्रोग्राम यदि वो रद्द हुआ तो रद्द होने के कारण जिला प्रशासन ने स्वीकृति नहीं दिया, दूसरा बात है कि वहां के जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनके नाम पर राजनीति करना चाह रहे थे, तो आखिर खेसारी लाल यादव नहीं आए तो लोकल कलाकारों के साथ तो प्रोग्राम करना चाहिए, सरकार से भी लोग अनुदान लिए, लोकल लोगों से कॉर्पोरेट घराने से भी चंदा लिए, उस चंदा फिर यह ढकार गया आयोजक समिति का अध्यक्ष, फिर हिसाब किताब नहीं देगा, तो ये आदमी फर्जी आदमी है, ये बड़े बड़े स्टार के लोगों के नाम पर चंदा कलेक्ट करता है, अपना रोजी रोटी भरता है और यहाँ के लोगों को धोखा देता है। और मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, अभी 2024 का चुनाव आया है,
हम लोग नए नए JBKSS के नहीं, हमारी पार्टी है, हमारा नया नया संगठन है, हमारे लोग भी नए हैं, अनुभव भी कम हो सकता है। और ये बड़ी बड़ी पार्टियां पिछले 23 साल में झारखंड में यहाँ की संसाधनों, खनिज संपदाओं को लूट करके मलाई खा रही है, जिसका विरोध में JBKSS सर हमारे नेता टाइगर जयराम महतो और हम लोग खड़े हुए हैं। तो उन लोगों को तो पिरपिरी होगा, उसको तो दर्द होगा। वो 2024 में कई तरह का प्रोपेगेंडा लाएंगे, वो कहेंगे ये जाति की पार्टी है, ये कभी जातिवाद की बात करेंगे, कभी ये क्षेत्रवाद की बात करेंगे, कभी हमारे नेता को मुकदमा में फंसाने की बात करेंगे, कभी हमारे आंदोलन को तोड़ने की बात करेंगे, कभी हम लोग पर स्याही फेंकेंगे, कभी हम लोग पर काला झंडा दिखाएंगे। तो हम लोगों ने भी कसम खा लिया है कि झारखंड की 2024 के इलेक्शन के तूफान में हम लोग भी दीपक जलाने का कसम खाया है। इस बार झारखंडी की बात है, खतियानी भाइयों के लिए बात है, यहाँ के छात्रों किसानों को रोजगार की बात है, यहाँ की नौकरी की बात है, यहाँ के किसानों को खेतों में पहुंचाने की बात है, यहाँ भ्रष्टाचार बंद करने की बात है। तो हम लोग अपने तूफान में दीया जलाने के लिए कसम खा लिया है, चाहे इसका परिणाम जो भी हो, इन बड़ी पार्टियों जो झारखंड में लूटने का काम किया, लूट का जो अड्डा बना दिया है, वो अड्डा को हम लोग समाप्त करेंगे। अच्छा, आप बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, चर्चा ये भी है कि आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, क्या सच्चाई है इसमें और किस तरह की तैयारी चल रही है? अच्छा, कौन नहीं चाहता कि ये मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक और सांसद बन जाए? आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और चाहना भी चाहिए। और पॉलिटिकल जीवन में आप हैं तो आप सड़क पे आंदोलन करते हैं, तो आप जनता की भलाई चाहते हैं, तो सदन में भी जाके आपको हल्ला करना होगा, नियम नीति कानून बनाना होगा। मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ, पार्टी हमारा JBKSS हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का जो निर्देश होगा, जो CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जो चयन होगा, जिस उम्मीदवार को दिया जाएगा 81 विधानसभा क्षेत्र में, हम लोग उसके लिए जो हमारे पास साधन संसाधन है, तन मन धन के साथ, ईमानदारी के साथ, मोटरसाइकिल से घूमना पड़े, गाड़ी से घूमना करे, पैदल घूमना पड़े, हम लोग जिताने का काम करेंगे और झारखंड में JBKSS की सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, कोडरमा लोकसभा में कौन उम्मीदवार आ रहा है JBKSS? सब जनता जानना चाह रही है, लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, गिरिडीह का हो गया, रांची का हो गया, हजारी का हो गया, हजारीबाग का भी चर्चा में है, तो कोडरमा से कौन चर्चा में है अभी? देखिए, अभी हमारे JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का घोषणा हुआ है कि गिरिडीह से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, चर्चा है कि ये लड़ेंगे? नहीं, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा में जब बड़े बड़े पार्टियां हैं तो हमारी भी चर्चा, हम भी तो अब आ गए हैं इसमें। हमारी पार्टी नेता मनोज यादव लगातार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में है? छात्र नेता मनोज यादव हमारे झारखंड के छात्रों के धाकड़ नेता हैं और वो जमीनी नेता हैं। पारा शिक्षकों की लड़ाई के लिए उनकी माथा फट गई, उनका लहू बहा है, वो 6 महीना जेल में रहे, पारा टीचरों की, चाहे जिनकी लड़ाई झारखंड में हो, चाहे स्टूडेंटों की CGL की लड़ाई हो, चाहे JPSC की लड़ाई हो, जहां लड़ाई छात्रों और किसानों और नौजवानों का आप झारखंड लेवल पे देखेंगे, चाहे सहिया दीदी आंगनबाड़ी का, पारा शिक्षकों का या छात्रों का, मनोज यादव आपको झारखंड स्तर पर सबसे आगे दिखेंगे। वो धाकड़ नेता है, एनर्जेटिक नेता है, जानकार नेता है, यदि पार्टी उनको कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भेजती है, हम लोग स्वागत करेंगे। अच्छा, एक सवाल, सेंट्रल कमेटी का विस्तार तो हो गया है, लेकिन जिला कमेटी का विस्तार कब तक हो पाएगा? बहुत जल्द। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 4 दिनों से सेंट्रल कमेटी, महिला विंग, युवा विंग, किसान विंग, प्रमंडलीय स्तर, अभी मैं चतरा का प्रभारी बनकर चतरा का कमेटी विस्तार करके आया। कोडरमा जिले का भी हम समझते हैं कि जनवरी के अंदर में, जैसा आदरणीय टाइगर महतो जी से बात हुई है, अपने अध्यक्ष जी से उन्होंने कहा है कि वो स्वयं आएंगे जिला विस्तार करने के लिए, और यहाँ पर हम समझते हैं कि 10 से 15 दिनों के अंदर में कोडरमा जिला कमेटी का भी विस्तार हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ, अभी हाल ही में केंद्रीय सचिव बने हैं रविशंकर यादव जी। तो आप लोगों को हमारी बातचीत कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तब तक के लिए शुक्रिया, जोहार।